झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं चलने के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं चलने के कारण पर सत्ता पक्ष का कहना है कि कोरोना इसकी वजह है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनप्रतिनिधियों के सवालों से भागना चाहती है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को लेकर सदन के अंदर क्यों हो रहा है हंगामा और पक्ष विपक्ष क्यों है आमने सामने, देखिए यह खास रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा में रघुवर दास के शासनकाल में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की शुरुआत की गई। परंपरा को कोरोना के कारण हेमंत सोरेन सरकार के बजट सत्र में बंद कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा में चल रही इस परंपरा के अनुसार सत्र के दौरान हफ्ते के प्रथम दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का समय निर्धारित होता है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में विधायक सीधे मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं, जिसका जवाब खुद मुख्यमंत्री सदन के अंदर देते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे बजट सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को विलोपित कर दिया गया है। विपक्षी विधायकों का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री जनता के सवालों से बचना चाहते हैं, लिहाजा लगातार दूसरे सप्ताह भी सोमवार को होने वाले मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को विलोपित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि जनता से जुड़े मुद्दे उठे और मुख्यमंत्री उन सवालों का जवाब दे। प्रश्नकाल हो चाहे जन संवाद, जो पिछली सरकार में चालू प्रारंभ किया था, हर महीने के आखिरी तारीख को मुख्यमंत्री खुद पूरे राज्य के सरकार का, जो राज्य की जनता का जन संवाद लेते थे। आप जा करके जन संवाद केंद्रों का पता करके देख लीजिए। अभी अमूमन पर डे 1 से 2 मामले भी निपटाए नहीं जा रहे हैं, 1 महीने में 2-3 मामले भी निपटाए नहीं जा। मतलब क्या है, इसका मैसेज क्या है कि राज्य की सरकार का मुखिया खुद जनता के सवालों से भागना चाहता है और सिर्फ अपनी बातों को रखना चाहता है, जनता के सवालों को एड्रेस नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को भी विलोपित कर दिया गया है। और जो मुख्यमंत्री के साथ सीधे जनसंवाद का जो कि माध्यम था, दूरसंचार विभाग IPRD जिसको करती थी पहले की सरकार, क्योंकि पहले की सरकार जनता से कंसर्न रखती थी, इस सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को दिवा स्वप्न दिखा करके अपना काम निकालना चाहते हैं। सदन में कम नजर आ रहे हैं, जवाब भी आप लोग नहीं सुने। सरकार के क्या जवाब सुनेंगे, सरकार की थूथेबाजी। आप तो सरकार के मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर के कहा कि भाई ये बहुत अच्छा सदन चला, मैंने बहुत कुछ सुना, आप लोग भी लिखित में दे दीजिए। हमारा कहना लिखित में सुझाव देने से अच्छा है कि आपने घोषणा पत्र में जो लोगों को बताया तो वही ना कर दीजिए। सरकार को करनी चाहिए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को भी। बहुत ही दुखद है, सरकार भाग रही है, सरकार सवाल से भाग रही है, और लगातार 2 सोमवार मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का नहीं होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनता के सवालों से भाग रही है, विधायकों के सवालों से भाग रही है। बजट में जो चर्चा हो रही है, इसमें आप लोग बायकॉट कर जा रहे हैं, सरकार का जवाब नहीं। नहीं, हम सरकार से सही जवाब चाहते हैं। हमारे आज कृषि पे हमारे पूर्व कृषि मंत्री श्रीमान रणधीर सिंह जी ने और श्रीमान केदार हाजरा जी ने जो सवाल रखे, सवाल उठता है कि हम उनके लक्ष्यदार भाषण सुनने के लिए सदन में नहीं आए हैं, हम उनसे जनता के जो सवाल हमारे माध्यम से, विधायकों के माध्यम से सदन के पटल पर आए हैं, हम उनका जवाब चाहते हैं। हम तो चाहते थे कि किसानों के कर्ज माफी का क्या हुआ, हम चाहते थे कि जो कृषि आशीर्वाद योजना था उसे इन्होंने बंद क्यों किया, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक एक ये लाया कि जो गौ मुक्ति धाम बनाएंगे, अब गौ मुक्ति धाम में 5 प्रमंडल में कहाँ बनाएंगे और सिर्फ 1 करोड़ रुपया उसमें रिलीज किया है, ये जनता के आंख में धूल झोंकने के समान है कि नहीं है। इसलिए सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। ये सदन में कुछ कहेगी, बाहर कुछ कहेगी, घोषणा पत्र में कुछ कहेगी, करेगी कुछ। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को लेकर जारी हंगामे के बीच विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है, तो सत्ता पक्ष CM के बचाव में दिख रही है। सत्ता पक्ष के विधायकों के अनुसार कोरोना के कारण इस व्यवस्था को बंद किया गया है, जिसे बाद के सत्र में शुरू किया जाएगा। कहाँ भाग रहे हैं, सदन में उनकी उपस्थिति भी कम। अरे पूरी उपस्थिति में, और जो प्रत्येक सोमवार को ये मुख्यमंत्री प्रश्नोत्तर काल होता था उसको समाप्त कर दिया आपकी सरकार ने। नहीं देखिए, अब जब टीम में इतने मजबूत खिलाड़ी हैं जो फ्रंट से लेके बैक तक जो है लगातार एकदम सिक्सर मार रहे हैं, तो क्या जरूरत है कैप्टन को इतना बैटिंग करने का। हम लोग है ना, हम लोग कहाँ भाग रहे हैं सदन में, वो कम रहते हैं। कम कहाँ रहते हैं, पूरा टाइम अभी भी देखिए सदन में बैठे हैं, लेकिन मुझे कुछ विशेष परिस्थिति है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। सदन में कम मौजूद नहीं, सदन में मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं। हमको लगता है जितने अधिक हेमंत जी मुख्यमंत्री के नाते सदन में रहते हैं, आज तक मैंने किसी मुख्यमंत्री को इतना अधिक सदन में उपस्थित नहीं देखा। और छोटी छोटी बातों पर भी उठ करके एक एक विधायकों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, यानी सजग रहते हैं, तभी तो सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं होना कोई चीज़ नहीं है। हमें लगता है कि
आगे इस पर विचार होगा। मुख्यमंत्री से जब कार्य मंत्रणा पर इस पर विचार हुई थी तो बोला कि अगर कार्य मंत्रणा पूरा विचार करेगी तो हम उत्तर देने से कोई घबराते नहीं है, नीतिगत प्रश्नों को पूछेंगे तो मुख्यमंत्री जरूर जवाब देंगे। मुख्यमंत्री ने हामी भरी, अब कार्य मंत्रणा की अगली बैठक होगी तो क्या आगे विचार होता है उसके बाद निर्णय होगा। देखिए विपक्ष के पास सुनने की ताकत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया जो इस तरह से राज्य की जनता को छला है विपक्ष ने, तो विपक्ष सुन नहीं सकती है। जब विपक्ष हल्ला करती है सिर्फ अपनी बातों को रखकर और सदन का बायकॉट करती है तो जनता देख रही है। जनता मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के माध्यम से सदन में सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक जनता से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री का जवाब सुनते हैं और सदन के माध्यम से उसे पूरा होने का भरोसा लेते हैं। लेकिन बीते कुछ सत्रों से जिस तरह सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को लेकर विपक्ष का सवाल उठाना तर्कसंगत नहीं दिखाई पड़ता है।